तो फ्रेंड्स, हो रही है बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों की मज़े की बारिश तड़कती भड़कती से, और इसको मद्देनज़र में रखते हुए आज हम चलते हैं बनाते हैं खिचड़ा, जिसके लिए मैंने दाल को उबाल लिया था और फिर गोश्त वोश्त बना करके जो निहारी रखी हुई थी तो उसके सालन का ऐसे अलग सा बना लिया था। बहुत ही यम्मी खिचड़ा बना हुआ था, अलग से सालन डाल के यहाँ हमारे ससुराल में ऐसा बनता है, तो मैंने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा बन गया। थोड़ी सी चीज़ें अच्छी ही बनती है। फिर शाम हुई, शाम को आज मेरा खाने का मन कर रहा था बन और मस्का, और ऊपर से ये मैंने अपने लिए ऑमलेट बना के ऐसे रख लिया, एक बर्गर हो गया मेरा, और फिर नाशा ने सिंपल सा, उनको एक पसंद नहीं है तो वो ऐसे ही खाए, हम और इनाए अपना लेकर के बैठ गए थे। तो खैर ये चीज़ें हुई। फिर चने की दाल रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, तो बस उसको बॉईल किया हल्के से दूध में और उसको पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर उसको पीसने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और आज हम बनाएंगे चने दाल का हलवा। नहीं, सवे बारात नहीं है, लेकिन दाल रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं इससे पहले कि दाल ख़राब हो जाए। ज़्यादा टाइम तक चने की दाल रखी होती है तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बना करके रफ़ा और दफ़ा करते, तो बस इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से एकदम सुनहरा होने तक का भून लेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद फिर चाशनी बना करके इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, और फिर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, घी डाल देंगे, और ये हो जाएगा बढ़िया सा हलवा। आप चाहो तो इसको जमा कर भी खा लो, जैसे शबे बारात में बनता है कतली की तरह, और या तो फिर ऐसे ही खा लो। तो हमने थोड़ा सा उसको नाजिल देखिए प्लेट में ऐसे करके, और काफ़ी यम्मी और टेस्टी बना था सच में। थोड़ी सी चीज़ें, चाहे कोई भी चीज़ थोड़ी बनाओ ना तो वो पता नहीं क्यों बहुत लजीज़ बन ही जाती है, तो बस वही चीज़ें थी। तो देख सकते हो नाजिल ने इतने बड़े बड़े कतली उसके बना लिए थे, तो खैर ये बन गया था बहुत ही टेस्टी सा हलवा बिना बारात का। हम लोगों ने हलवा खा लिया, खाने को मिल गया। तो खैर ये तो रहा हमारा चने का दाल, और खिचड़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। तो कभी कभी होता है बैठे बैठे कुछ चीज़ें ऐसे ही बस नॉर्मली बनाओ और वो चीज़ें अच्छी बन ही जाती है। तो खैर यहाँ फिर इनाया को भी दिया थोड़ा सा कटोरे में कि लो तुम खा लो, तो बस वो भी खाई, उसको भी पसंद आया। अच्छा गरम गरम रहता है ना तो ये काफ़ी टेस्टी ही लगता है। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। फिर अगले दिन सुबह हुई तो फिर मैं मलाई से घी वैसे भी निकाल रही थी, तो जानते हैं आप लोग कि आजकल मैं ये प्रोसेस कुकर में कर रही हूँ, तो बस वही में कर रही थी कि फटाफट से ये चीज़ें हो जाए। बहुत मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग का काम यही लगता है, तो ये होता है कि किस तरह से इसको किया जाए, करके निपटा लिया जाए। हर 15-20 दिन पे एक बार करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे देखिए ये हो चुका था, ऑलमोस्ट डन। फिर शाम हुई, शाम को ये लोग गए थे मार्केट से लेकर के आए कुछ कुछ चीज़ें घर के लिए, तो बस जो जो रोज़मर्रे की चीज़ें होती है भाई वही सारी चीज़ें आई, और ये लोग लगा के फैला के उसको बैठे हुए थे। लगा ली बारात, चलो सब सपा चट करो। तो पर डे होता है एक टास्क, आज था एक्वेरियम क्लीन करने का। फिर उसके बाद हेलो फ्रेंड, मैं जैसे कि कर रही थी ना के आने का इंतज़ार, और होने लगी इतनी मस्त सी बात। बालकनी पे खड़े होकर के बारिश का मज़ा ले रहे थे और वेट कर रहे थे कि नाया आए, और मैंने फ़ोन किया था कि भीग कर मत आना, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं और भीग भाग करके आए हुए थे। फिर क्या था आज देखिए, एक्वेरियम ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल आर्टिफिशियल हो, इतना क्लीन नीट क्लीन, वैसे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते। तो खैर हो चुका था। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज आ रहे हैं मेरे घर पे गेस्ट। अब कौन आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो अभी आप लोग को थोड़ी ही देर में बस पता चल जाएगा। सुबह से इतना काम कर लिए कि शूट करने का मौका नहीं मिला। सम खुदा के हाथ काम नहीं कर रहा है। तब तक तो फ्रेंड्स जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, मेरे आ गए घर वाले, यानी मेरा भाई, अम्मी, भाभी, खाला। तो बस इन लोगों का इंतज़ार कब से कर रही थी, और आते आते ये लोग एक बजा दिए। इनाया के स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका था, तो बस नाश जाने ही वाले थे लेने के लिए इनाया को, तब से ये लोग आ गए। तो फिर चलो इन लोगों को रिसीव करते हैं, एंड देन मैं बालकनी से देख रही थी, भाई इंतज़ार तो होता ही है, तो बस ये लोग उतर रहे थे। तो बस मैंने ज़िद किया था कि ये आइए आइए आइए, आप लोग ऐसे घूम जाइए, कभी तो आते नहीं हो ऐसे, जब बुलाते हैं तो ना तब जाके आते हो, ये नहीं कि अपने से चले आए। तो बस इसी खुशी में सब आए थे घर पे, और
आज मुझे बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज़ मिला है। मुझे नहीं पता था कि मेरी काला भी आने वाली है, तो खैर वो एक सरप्राइज़ था। फिर उसके बाद एक और सरप्राइज़ है जो कि आप लोग अभी आगे चल करके देखोगे, वो भी मेरे मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ बोल सकते हैं आप लोग। तो बस चलिए देखते चलिए क्या क्या होता है आगे और क्या क्या नहीं। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था इतना बड़ा मेरे को सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो ये देखकर आप लोगों को कुछ याद आया कि नहीं, मेरी इयररिंग फाइनली 2-3 महीने बाद मिल गई। और मैंने कहाँ रखा था इसको, अम्मी की चूड़ियों के डब्बे में। अगर आज अम्मी नहीं आती तो शायद ये मिलना पॉसिबल था, पॉसिबल ही नहीं होता। तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिल गया, बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब हमको यकीन। और ये देखिए कि आज अम्मी जब आ रही थी तो अपनी चूड़ी निकाल रही थी, तब उनको दिखाया हम। कहे अगर मैं ज़िद नहीं करती आपको आने के लिए, आनी नहीं थी, लेकिन मैंने ज़िद करके बुलाया और देखो आई। तो देखिए कैसे काम हो गया, अल्लाह सच में यकीन ही नहीं हो रहा था ना हमको, मतलब जिसको जिसको दिखाया नाशिर को भी नहीं यकीन हो रहा था। तो कहे मज़ा आ गया था। फिर अम्मी ने देखो ऐसे सब पैक करा के लेके आई, हम कहे मंगनी मंगनी करने जा रही थी क्या, ऐसे ले करके आई सब, और पॉलिथीन में मेरे लिए ड्रेसेस। तो फिर क्या था, ये सब चीज़ें जब साइड में किए हैं, और सच बता रहे हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमके पैसा वसूल हो गया, मतलब तुम लोग का आना वसूल हो गया, सब चीज़ वसूल हो गई, इतना दूर आना। आप लोगों को तो खैर इन लोगों को नाश्ता पानी दिया, तब से आ गई इनाया, तो बस ये भी हैप्पी हो गई। इनको तो पता ही था कि आज नानी लोग आएंगी, तो बस इनका दुलार शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो मस्ती की, फिर इन लोगों को जाने के लिए भी रोक रही थी कि मत जाइएगा आज, आप लोग एक दिन रुक नहीं सकती क्या। तो खैर अब हो चुका था डिनर लंच टाइम, तो बस थोड़ी तो बहुत चीज़ें बनाई हुई थी। कायदे से सूट नहीं कर पाई क्योंकि भाई बहुत अफरा तफरी थी, 1 बजे आई और 5 ही बजे चली गई। तो बस जल्दी 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 सब कुछ किया। फिर ये सारे फ्रूट्स थे तो ये सब भी देना था थोड़ा बहुत, तो फटाफट से इन सबको खोला वोला और फिर देखा कि क्या क्या है, कुछ फेवरेट है कि नहीं है। तो बस खाना पीना खाने के बाद सारे बर्तन वर्तन वॉश किए, सब कुछ सही। फिर शाम हो गई तो इन लोगों के जाने का टाइम, नहाते देर में जाते देर जैसा कि कहा। तो खैर ये लोग अब जा रही हैं, टाटा बाय बाय। तो खैर बस ये लोग ऐसे ही आएंगे, इन लोग को ना आते देर ना जाते देर। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो आज अम्मी ने सच में दे दिया एकदम। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये देखिए आप लोग, मेरी एयररिंग मिल गई, सबसे बड़ी गुड न्यूज। ब्लॉग बना रहे तो ये देखिए, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सही मिल गया। अब बस हमें सब वसूल हो गया, हमें सब वसूल हो गया, मेरा ये मिल गया। यार कुछ भूले उले तो नहीं ना, कुछ देना तो नहीं था, पानी दिए थे ना, पानी दे दिए, सब दे दिए, कहते तो मिठाई दे दी। हां जब नानी लोग आए थे, जब नानी लोग आई थी तो क्या हो रहा था, मजा आ रहा था। और अब बोरिंग हो रहा है, क्यों हम लोग नहीं है क्या, तो रोक ली होती तुमने, तो रोका ही नहीं। रोका कैसे रोका, पैर हटाइए, कैसे रोका, तो नहीं रुकी, नहीं रुकी, चलो जाने तो एक दिन के लिए आए थे, हम तो बोले थे कि घूमने के लिए आए हैं, घूम घाम के गए सब। तुम जाती हो तुम रुकती हो, तुम भी तो चली आती हो। एक महीना रहते तो, अरे बाप रे एक महीना, चलो अब हम लोग जब चलेंगे तब रहेंगे। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा तो लग रहा, अच्छा ही बन गई, नहीं अच्छा लग रहा। कल जाते तो कल आखिर जाती ही ना, एक दिन में क्या मिल जाता।
अच्छा चल टी शर्ट फुल स्लीव्स का बोले बाबू बोले लो पहन। तो बस ये थी नाया जो कि मेरा सर खाई हुई थी कि एक दिन नहीं रुक सकती थी क्या, एक दिन नहीं रुक सकती थी क्या, क्या हो जाता है दुनिया भर का। तो खैर फिर ये देखिए अम्मी लाई थी ये वाली ड्रेसेस मेरे लिए, तो बस इनको हैंगर में लगाते और डालते अपने वार्डरोब पर फिर पहनेंगे। तो बस ये हो जाता है कभी कभी चीज़ें अच्छी हो जाती। देखो उनके आने का मुझे तो मेरे लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो खैर चलिए इसको वार्डरोब में सजाते हैं और फिर अपने कामों में लगते हैं। रोज़ की ज़िंदगी भाई ऐसी गुजर रही है आजकल, काम 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 काम, शूट कम हो रहा है काम ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बच्चा आ गया क्या? मेरा बेटू तुम्हारी बैग वैग हैंग कर रहा है। हाउ वाज द डे? मम्मा 3 दिन की छुट्टी मिली। Why? जुमा, सैटरडे, संडे। क्यों? पता नहीं। कल भी छुट्टी? ओह। 2 दिन की छुट्टी रहती थी ना वैसे, इस बार 3 दिन। हॉलीडे होगा? हॉलीडे तो हो गया। 3 days का? तब क्या करोगी? 3 दिन बैठ के मुझे सताओगी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि फ्राइडे और फ्राइडे को स्पेशल बनती है बिरयानी, तो ये बिरयानी ने मैं पुलाव बना रही थी। तो बस इसके लिए फटाफट से चीज़ें हो रही थी कर रही थी। तो बारी थी लंच टाइम की, तो फटाफट से सैलड बन गया और फिर हम लोगों ने लंच अपने स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने अपना अपना लंच फिनिश किया। बिरयानी यार जुमा के दिन बहुत यम्मी लगती है, लेकिन कभी कभी आजकल चेंज हो जाता है। तो खैर बारिश का मौसम है, कभी कुछ बन करता है, वरना पहले तो हमेशा मतलब कंपलसरी था कि फ्राइडे को बिरयानी ही बननी थी। फिर आज शाम को नाशिक चले गए थे बनारस, तो बनारस से आते वक्त देखिए जनाब क्या लेकर के आए थे। मैंने बोला था एक चीज़ नहीं लेके, उनका मोबाइल एक्चुअली ख़राब हो गया था तो गए थे वही बनवाने के लिए। तो बस देखिए क्या क्या चीज़ें लेके अपने लिए, पहले तो ये घड़ी लेकर के आए हुए थे, वॉच वॉल क्लॉक थी। तो ये मैंने कहा फिजूल का, अभी तो मेरी शादी वाला चल रहा है, अरे चेंज तो कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है इसको भी कर लेते। फिर मोमोज लेकर आए थे अपने लिए, शर्ट लेकर आए थे जूडियो समझे, अपना तो शॉपिंग कर लिया हम लोग के लिए। तो ये नया के लिए पनीर मोमोज लेकर आए थे, नया को पनीर मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मोमोज तो अच्छा था लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नमक था। तो खैर और फिर कुछ कुछ स्नैक्स लाए थे, और ये मैंने रात के खाने के लिए ये बना रख दिया था कट करके मशरूम। और यहाँ पे जनाब बता रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अगले दिन की सुबह हुई और सुबह देखिए नया। मॉर्निंग फ्रेंड, तो देख सकते हैं इसको क्या ये करवाई है कमरे में मेरे, देख सकते हो आप लोग। व्हाट इज दैट? What is this? What is that? सुबह से मैंने जान खाई थी उठ के, मुझे बनाना ऐसे। अच्छा जब तक बचपन में ये सारी चीज़ें ना करो तब तक हमके चल भाई कर देते हैं, बच्चा है खुश हो गई। नाया का टेंट हाउस, टेंट हाउस रख के भी ये वाला टेंट हाउस में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। नहीं दिख बहुत साफ आ रही ना फ्रेंड से, बहुत धुंधला आता है इसलिए नहीं बनाते। चलो हम सतुहा बदर तुझा गानी अहमद मुस्तफा कोई एक है उनके उरूज की हो गया हर से तक पूरा हर से तक। अरे बदर तुझा मुस्तफा कैसे। तो आज सारा दिन इसने ऐसे ही किया। फिर नाशिर शाम को आए, चाय और पापड़ बनाए, और इनको पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं आज बनाने लगी थी ये जो मैंने कट करके रखा था रात में, तो बस उसको आज मैं बना रही थी एकदम ऑथेंटिक स्टाइल से। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल।